तो और भाई लोग क्या हाल चाल है। देखो काफ़ी दिन हो गए थे हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी, जिसकी वजह से ऐसे ढेर सारे अपडेट है जो कि मेरे से छूट गई है, जिसकी वजह से इस वीडियो के अंदर हम उन सारे अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा बात जितना पेलते हमारे आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो शुरुआत करते एक हॉलीवुड मूवी से जिसका नाम है नो टाइम टू डाई। इस मूवी को रिसेंटली हिंदी रफ वर्जन में अवेलेबल किया गया है पूरी HD प्रिंट के साथ, जिसकी वजह से मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा आप इस पिक्चर को जाके देख सकते हैं। लेकिन कहां पर देखेंगे, इस पिक्चर की जो लिंक है यानी कि हिंदी रफ वर्जन की लिंक है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो देखो विश्वा नाम की जो तेलुगु पिक्चर आई थी उस पिक्चर को रिसेंटली हिंदी रफ वर्जन में तो अवेलेबल किया गया है। तो अगर आपने अभी तक देखा नहीं तो जाके देख लीजिए। वहीं पर आराधुगुला बुलेट नाम की जो तेलुगु पिक्चर आई थी गोपी चंद की, उस पिक्चर की भी हिंदी रफ वर्जन अवेलेबल हो चुकी है। कहां पर देखने आपको तो पता ही है, मैं कोई साइट का प्रमोशन नहीं करता मुझे पता है, फिर भी आपको तो पता ही है सब कुछ, जाके देख लो। बंगारजू नाम का एक तेलुगु पिक्चर को रिसेंटली G5 पर अवेलेबल किया गया है। पिक्चर की लीड रोल आपको ढेर सारे कलाकार देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि नागार्जुन, नागा चैतन्य, कृति शेट्टी एंड रामाया कृष्णन। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप जाके इस पिक्चर को G5 पर देखिए, क्योंकि हर एक पिक्चर का लिंक अगर हम प्रोवाइड करते रहे तो भाई हम लिंक वाले बन जाएंगे। वरोची वाड़ी वारूरा, इस पिक्चर को काफी दिन पहले हिंदी रफ वर्जन में अनऑफिशियल अवेलेबल किया गया था, लेकिन इस पिक्चर को ऑफिशियल हिंदी रफ वर्जन में अवेलेबल किया जाने वाले हैं, जहां पर इस पिक्चर की हिंदी रफ वर्जन की वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है 27 फरवरी को रात को 8 बजे कलर सिनेप्लेक्स TV चैनल पर। उसके बाद इस पिक्चर को RKD स्टूडियोज की YouTube चैनल पर अवेलेबल किया जाएगा। तो अगर आपने बाय चांस पिक्चर को मिस करे तो भाई जाके देख लेना उस टाइम पे। आचार्य नाम की जो तेलुगु पिक्चर आने वाली है यानी कि मेगा स्टार चिरंजीवी की जो पिक्चर है, उस पिक्चर की हिंदी रफ वर्जन कंफर्म हो गई है। हाँ सच्ची में ये पिक्चर 29 अप्रैल को तेलुगु के साथ हिंदी में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे थिएटर में, जहाँ पर इस पिक्चर की हिंदी राइट्स को खरीदा था पेन मूवीज ने। ऊटी गोबर 3 नाम की जो पिक्चर आई थी रिसेंटली, इस पिक्चर की हिंदी रफ वर्जन पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, मानो डबिंग कंप्लीट हो गई है। अब इस पिक्चर की हिंदी रफ वर्जन की डब कराई है B4U मूवीज ने, लेकिन कब इसको वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर किया जाएगा या फिर इसकी यूट्यूब प्रीमियर कब होगा उसकी कोई खुलासा नहीं हुआ है। मिशाल नाम की जो तमिल मूवी आई थी उस मूवी की हिंदी रफ वर्जन की कंफर्म रिलीज डेट हो गई है। ये मूवी आपको 13 मार्च थिंचक चैनल पर रात को 8 बजे देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये पिक्चर यूट्यूब पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ी दिन बाद या फिर कुछ दिनों के बाद देखने के लिए मिल जाएंगे गोल्ड माइन पर। गद्दलकोंडा गणेश नाम की जो पिक्चर आई थी उस पिक्चर की हिंदी रफ वर्जन की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। ये पिक्चर आपको 6 मार्च रात को 8 बजे ढिंचक चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके काफी दिन बाद आपको ये पिक्चर गोल्ड माइन पर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो भाई लोग मुझे पता नहीं कि भाई मैं असल में इस वीडियो के अंदर क्या बात कर रहा हूँ, यानी कि फिल्मी टॉक या फिर कोई रिव्यू या फिर एक्सप्लेनेशन पता नहीं, लेकिन जो सारा अपडेट मेरे को मिला है मुझे लगा कि भाई आपको देना चाहिए। तो देखो अगर आप इस सारे अपडेट को पहले से जान लिया तो भाई बहुत ही अच्छा किया, और अगर आप नहीं जाना मेरे से जाना है तो भाई बहुत ही बढ़िया है। चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी जाके और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना था, बाय बाय टाटा गुड नाइट, चलो निकलो।